आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आपको पता है रोजाना सुबह तो रोजाना होती है ऑब्वियसली, लेकिन आज की सुबह मेरे लिए बहुत खास है, आज के मेहमान बहुत खास है। क्यों? क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज है एक किस्म का, मैं तो अपनी जबान में कहती हूँ कि भाई आज हमारा ईद का दिन है, क्योंकि कल्चर डे हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसा कि ईद का दिन होता है। आज सिंधी कल्चर डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खास दिन है। आप देख रहे होंगे रोड्स पर रैली भी निकल रही है और डिफरेंट जगह एहतमाम हो रहे हैं, अजरक से गाड़ियाँ सजी हुई हैं। तो ऐसे ही आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने शो पर गेस्ट बुलाऊं, बहुत प्यारे, सिंध का नाम, सिंध की शान। और थोड़ी मैं कंफ्यूज हूँ, मैं आपको लाइव बताऊंगी क्यों, क्योंकि मेरे पास सीनियर होस्ट भी बैठे हैं भाई, 3 साल पुराना तजुर्बाकार है, तो उनके सामने थोड़ा बोल रही हूँ कि भाई कैसे बोलना है क्या नहीं, मिस्टेक्स भी निकलती हैं भाई लाइव शो में। और ये कह भी सकते हैं मेरे घर की मुर्गी भी है, तो बेइज्जती होने में देर भी नहीं होगी। वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम अशफाक, कैसे हो? सलाम, दोनों ही कर दें आप। नहीं, तारीफ जल्दी नहीं करते, देर से करते बंदा बिगड़ जाता है। भाई आज हमारे साथ अजहर प्लस असद मौजूद है, अब ठीक है, एक के साथ एक फ्री, वन बाय वन गेट वन फ्री नाम हमने आपको दे दिया है। फाक चांडिया भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे भी पूछेंगे कि आप कैसे कल्चर डे सेलिब्रेट करते हैं। कल्चर डे तो ईद की तरह ही हमारे, बिल्कुल। तो जैसे जोए भाई ने कहा, मुझे यही लगा कि आज कल्चर डे आए, अद मां उर्दू गले ने अद सिंधी भले भले। जो मुके पूरी उर्दू ना नहीं दिया जोए भाई, अजरक असई जान आए, असई शान आए, हां असई नी का सवा अधुरा आयो, बिल्कुल। माना टोपी असई पी आ, अजरक असई मां आई, अस कडू ना। क्या बात है, क्या कहेंगे? और असद अजर, हां कल्चर के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल्चर के बारे में जो मैंने देखा है और जो मैंने समझा है कि पता नहीं कितने कल्चर है दुनिया में आपको मिल जाएंगे, पर जो हमारा सिंधी कल्चर है वो सबसे प्यारा मुझे लगता है जितना मैंने देखा है और पढ़ा है। और मैं खुद लारकाना से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि हमने उसके मोहनजोदड़ो के किंग के कंधे पे भी अजरक देखा है, बिल्कुल। हमें पता चला है कि ये क्या चीज़ है और ये होनी चाहिए। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारे जो सिंधी यंगस्टर्स हैं उनको बाहर जाके, वो ज्यादातर सिंधी सीखते नहीं है, किसी को सिंधी लिखनी भी नहीं आती, तो वो इस चीज को समझे, क्योंकि जब तक आप अपनी बोली को या अपनी जबान को नहीं समझेंगे तो दूसरा बंदा आपकी जो है ना उसको प्रेफर नहीं। मुझे लग रहा है आई थिंक ये मैसेज मुझे भी दिया जा रहा है जो सिंधी बोलते नहीं है, समझते नहीं है। नहीं, असल में ये सब पे, बिल्कुल सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर आप अपनी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम क्योंकि देखिए इंटरनेशनली सब अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक दिन तो हमारी अपनी ज़बानें ख़त्म हो जाएंगी ना, फिर तो उनको हमें रिवाइव करना है, उनको ज़िंदा रखना है, हमें बच्चों को अवेयर करना है, ना सिर्फ अजरक के हवाले से, जो हमारे खाने पीने हैं गाँव के उनके हिसाब से भी उनको बताना है। लास्ट टाइम हम यही कह रहे थे कि स्पेशली इस दिन जो जो हमें देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं सिंध में स्पेशली जो देख रहे हैं, इस दिन अपने बच्चों को अवेयर करें और घर में वो रिलियाँ बिछा के जो हमारे सिंधी खाने हैं वो घर में सिंधी खाने बने, हमें बच्चों को, हमारे बच्चों को पता चले कि ये चावल की रोटी, सरसों का साग, ये लस्सी, पता नहीं बहुत सारी डिशेज हैं हमारी सिंधी, तो उनको पता होना चाहिए। फेवरेट डिश आपकी कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश क्या है, मेरी चावल की रोटी विद मच्छी बाबा मक्खन, लस्सी तो लस्सी है वैसे, हाँ साग पल्ली साग चावर जी माने। इंशाल्लाह अगर अगले साल जिंदगी रही तो हम बना के ये रखेंगे भी, खाली रखेंगे या खाएंगे? खाएंगे, मतलब देखने के लिए थोड़ी रखेंगे, खाएंगे, रखेंगे। मुझे लग रहा है अशफाक चांडियों को बहुत भूख लगी हुई है, आपको सही लग रहा है, आप वो जूस का डब्बा देख कर आए ना इसी वजह से, मेरा वाट पानी हो रहा है, मुझे भूख लगी। नहीं अच्छा अच्छा, नहीं आप अगले साल की बात करिए, वैसे अब तो ऐसे कराची में रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो गए हैं जहाँ पे सिंधी, बिल्कुल बिल्कुल सिंधी खाना मिल सकता है, तो देर नहीं, अभी आप किसी को भेज दें, मंगवा लें। मैं अभी अकमल भाई वारा करें, अगले साल में ज्यादा बबुल हो जाए नहीं हो जाए, हो जाएगा, हम सबको भेज जाएगा, पहले नहीं हो जाएगा। अच्छा बबलू, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, और अभी तो आपने हमारे साथ बहुत सारे शोज करने हैं, सॉन्ग्स करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, प्रोजेक्ट करने हैं, आपके बगैर तो प्रोजेक्ट सारे अधूरे होंगे। सही बोल रही हूँ ना? सही सही। और ठीक है, हाउ आर यू? ओके ओके जी, ये चाचा बबलू की हमारी इंग्लिश है, ऐसी इंग्लिश आपने कहीं नहीं देखी होगी, आपने देखी है?
नहीं आप भी माशाल्लाह से इंग्लिश नहीं सुनी, मैंने कभी नहीं सुनी, ये यूनिक इंग्लिश है ना, इट्स सो यूनिक, जो यही बोलते हैं और यही समझते हैं। ओके भाई, ज़ेब भाई मेरा दिल चाह रहा है कुछ आप सुना दें, सिंगर बैठे हो कुछ गुनगुना दें। क्या गुनगुनाऊं मैं? सकाफत पे। सकाफत पे, अच्छा कुछ ना कुछ चलें जी, वो हमारा वो नथ घड़ा यम सवरी, उसके कुछ लाइन है। नथ घड़ा यम सवरी अलहलग राणा, हो नथ घड़ा यम सवदई अलह लग राणा, राणा तो महाराज थींदा, राणा तो मां लख थींदा, राणा तो महाराज थींदा, राणा तो मां लख थींदा। सो त चाचन जे कुल, सो त मामन जे कुल, ओ राणा राणा मोर भले थो टिले गुजर जो, मोर थो टिले राणा, मोर थो टिले, मोर थो टिले राणा, मोर थो टिले। सो त बबलू जे कुल, सो त चाचे जे कुले, ओ राणा राणा मोर भले थो टिले गुजर जो, मोर थो टिले राणा, मोर थो टिले, मोर तो टिले राणा, मोर तो टिले। क्या बात है, ये तो अभी हम चाचा बबलू क्या डांस है, अभी तो शुक्र जगह खाली नहीं थी, आप तो जुमाते सबको। फॉर्म में आ रहे हैं हंसते हंसते। फॉर्म में ना, वो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2-3 मिनट में। मैं कम बोलूंगी, चाचा बबलू शो करेंगे। सही। चाचा बबलू आप भी कुछ आता है सुनाए ना हमें। क्या सुनाऊं तेरे को, कोई गाना सुनाए। भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं जी चाचा। चाचा तेरे को आशिक माशुक का सुनाऊं? हाँ हाँ हाँ। अज नवो प्यार थियो आ, वो अज नवो प्यार थियो आ, थियो आ न्याज नैन सा माह चैन सा, वाह वाह वाह, जारो अज नवो प्यार थियो आ, वो दिल में हल चल वही मची, इश्क दाखिल छो यची, वाह वाह, ओ नीहना गो छो नची, नीहना गो छो नची, हो अज नवो प्यार थियो आ, अज नवो प्यार थियो आ, थियो आ न्याज नैन सा माह चैन सा, मुंहिंजा यारो। वाह 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 वाह, यू गो हॉट, व्हाट मतलब व्हाट एन एक्सप्रेशन यार। हमारे पास रैपर भी बैठा है, हम आपको इसका रैप भी सुनाएंगे। हां जरूर रैप करना। हां रैप करेंगे। मैं अभी जो हमारा रिसेंटली सॉन्ग रिलीज हुआ है, अशफाक भाई ने गाया और मैंने उसमें रैप दिए। अच्छा हम चाहेंगे कि उसकी लाइन पहले ये गुनगुनाए, उसके बाद ये रैपिंग स्टार्ट करें। हां सही। अशफाक भाई याद है? बिल्कुल याद है, लिखा ही हमने तो याद नहीं होगा। हां बस ताड़ हो जाएगा तो मुहाल दो जी, इधर तक बोला गाना स्टार्ट कर साथ आ रहे हैं। मुझे जाना है सिंध में आसा, सिंध मुझे जाना है, सिंध मुझे जा, 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 मुझे बोलिया है सिंध मुझे शान, मां आया सिंधी या मुझे पहचान, तहजीब कल्चर ते अमके डाडो मान, मां आया सिंधी या मुझे पहचान, असा आयो सिंधी आए सिंध ते अमान, हिन मिट्टी ते अपन जी जान कुर्बान, सिंधी टोपी अज रख आहे पंहिंजो शान, आहे सोच वॾी इरादो मज़बूत, वधणो अॻिते पकी करणी आहे रू, तोखे फुल आहे छूट जेको करणो थी कर, सिंधी असां दिलेर मां के नाहे को फिकर, फिकर। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। के लाइंस आई कहां से? ये खुद ही लिखी है। कैसे? बस माइंड में जो चीजें हैं, जो चीजें मतलब कहीं बैठे हुए थे, इसका थोड़ा बताएं कैसे लिखी, कहीं बैठे हुए थे, कोई सिंध के बारे में सोच रहे थे, जो ये चीजें हैं ना, आप भी क्रिएटर और हमारे सामने भी क्रिएटर बैठे हुए हैं, ये चीजें आपको सडनली आ जाती है। ये तो है, कभी भी कोई चीज प्लान नहीं होती क्रिएटर के हिसाब से, तो ये सडनली कभी गाड़ी में चलते हैं या कभी किसी तरफ जा रहे हैं या कभी 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 तो ऐसा होता है कि वॉशरूम में भी मैं तो खुली एग्जांपल। हाँ 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 बिल्कुल डेफिनेटली, आप कहीं भी हो, कहीं भी हो, आप हुजूम में बैठे हो, आइडियाज आ जाते हैं। ज़ेब भाई का आजकल आपको पता चला अशफाक, ज़ेब भाई का क्या, हेलो गाइस ये क्या चल रहा है, हेलो गाइस ये नया ट्रेंड है, ये क्या आज क्या चल रहा है, नया ट्रेंड है।
उनकी थोड़ी लाइनें सुन लें, थोड़ी हमें एक्ट करके बताएं। यार मैं क्या एक्ट करके दिखाऊं, मतलब मैं जहाँ जाता हूँ लोग पूछते हैं यार, मतलब एक्सचेंज चला उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ तारा। हाँ, क्या सुनना चाहेंगे मुझे बताएं? आज आप तारा के शो पे आए? हाँ भाई, आज मैं तारा के शो पे आया हूँ। पहले तो मैं देख रहा था कहाँ बैठी है तारा, इतनी सी नजर नहीं आ रही, फिर किसी ने बताया सामने बैठी है तारा, तो फिर नजर आई मैं तारा, बहुत अच्छा लग रहा है। सकाफत के दिन हम बैठे हुए हैं, प्यारी सी अजरक पहनी है, प्यारे से जूते पहने हैं, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, मेरे जूते कैमरे में नहीं आ रहे, जूम कीजिएगा, मैं बता रही हूँ। सो टमाटर की तरह लग रही हो। थैंक यू। घर पे काम बहुत करता हूँ ना, जानू काम करवाती है। सुबह उठता हूँ ना मैं, सबसे पहले झाड़ू पोछा करता हूँ, उसके बाद चाय बनाता हूँ, फिर जानू के सामने लेके जाता हूँ। अच्छा। बच्चों को स्कूल लेके जाता हूँ। अच्छा। फिर स्कूल से लेके आता हूँ, लंच बनाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ। रात को जानू मुझे कहती है वेरी गुड, कहते ना अप्रिसिएशन, आपको भी अप्रिशिएट करता है, आपका दिल करता है आप और ज्यादा अच्छा काम करो। तो आप रोजाना झाड़ू पोछा करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो जानू क्या करती है? जानू बैठ के ड्रामा देखती है, फिल्म मूवीज देखती है। अच्छा, क्या बात है, अल्लाह ऐसा जानू सबको दे। हाँ चाचा बबलू, आप बताए। जबरदस्त, अल्लाह ऐसा जानू सबको दे। आप भी करते हैं? केड़ो जानू मिले? जानू से एड़ो 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 ना जेड़ो भाव चाहियो एड़ो जानू मिले। अच्छा एड़ो अब तू ही मिले जो को पोची दे। हां सजो दी पोची जा रही। हां सजो दी पोची दे रहा है। तो भाई आज अजय भाई शो तो चल रहा है, इसके साथ आपको बताऊं आज जो है एक खास दिन है, सकाफत के साथ-साथ गलती से किसी की सालगिरह है, पता चला है आपको? गलती से साल गिरा है, मतलब वो गलती से पैदा हो गया, गलती से पैदा हो गया था, इस दुनिया में आ गया, दुनिया में बोझ है या दुनिया वालों पे बोझ, दुनिया वालों पे, हम सब पर, आप पर, मजबूरन अभी हमें बुलाना पड़ा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम तारीफ करके, केक भी अपने पैसों से लेके आए, हम भी अपने। अच्छा गाइस मैं आपको एक बात बताती चलूं, वो केक भी अपने पैसों का लेकर आया। अच्छा वो तारा ने उसे बोला कि भाई आ रहे हो तो अपना केक लेते हुए आना, ये भी बताओ भाई, झूठ थोड़ी बोलना है यार। यार असल में मेरे पास कोई दुकान इस टाइम सुबह सवेरे नहीं, दुकान की बात नहीं, हमेशा वो सुनी होती है ना, पैसे नहीं थे इसके पास तो तभी बोला। खाली चल रही हूँ। आप लोगों के पास हो तो डोनेट कीजिएगा अजय भाई। नहीं ये बहुत अच्छा काम करती है, वैसे पर्स इसके साथ नहीं होता, वैसे भी तारा के साथ तो एक बहाना होता है यार मेरा पर्स। नहीं पॉकेट लगवाई है। अच्छा फिर भी खाली होती? फिर भी खाली है, सैलरी नहीं आई ना मेरी। तो गाइज शहराज अली मिराली की आज बर्थडे है हमारे साथ, आप जानते हैं कौन है शहराज अली मिराली? यार बस अब थोड़ा जो है ना इज्जत करें ना, थोड़ा मक्खन भी लगाना चाहिए, स्क्रीन है यार, स्क्रीन भी है और दूसरा हमें स्क्रीन के बाद उससे मिलना भी है। शहराज अली मिराली बैठ के यूं कर रहे वो अभी, हम यहाँ बैठे हुए चौड़े हुए हैं कैमरे के सामने, भाई जल्दी बुलाओ पता नहीं कितना चौड़ा हो जाए। शहराज अली मिराली छोटा सा है बेचारा, सिंगल पसली है हमारी तरह, तो कहीं भी सेट हो जाएगा, थोड़ी जगह बनाए इधर उधर तो वो आ जाए उसको। ये खाली ना? नहीं नहीं, शहराज अली मिराली को बीच में या ब्रेक में एक बुलाते हैं, ब्रेक ठीक है, ब्रेक में हम केक वगैरह भी सेट करें। बिल्कुल, हम कहीं मत जाइएगा, देखते रहें तारा तारा शो, ब्रेक आप लेंगे सुहेब भाई। अच्छा ब्रेक मुझे लेना, लेकिन ये बता लूं कि हम तो दोनों बैठे हैं, आप दोनों सिंगल पसली हैं तो एक पे मैनेज कर सकते हैं। नहीं मैं कहीं बिठा सकती हूँ, आप परेशान नहीं। ओके ओके ओके, सो गाइस डोंट गो एनीवेयर, और आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर डे विद तारा रारा द मॉर्निंग शो, डोंट गो एनीवेयर एल्स, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ बिल्कुल नाजरीन, शहराज आ चुके हैं, वेलकम करते हैं शहराज को तारा लारा शो पर, और स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका केक कट रहा है, आप बहुत खुश नसीब हैं, शहराज की आज बर्थडे, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे टीम का हिस्सा, सिंध की शान, खुशियाँ दें, तरक्की दें और बहुत मेहनत करें। नहीं मैं आप दुआ ले लें मेरी, पहले आशीर्वाद ले लें, तो ऐसे ही मेहनत करते रहें आप भी, और RNN न्यूज़ का शहराज पुराना हिस्सा भी है, ये भी बताती चलूं, जब दिल करता है ये आपका अपने स्टूडियो आ सकते हैं।
हैप्पी बर्थडे टू यू। चाचा ही तमाम जलाए बबलू एक और आखिर में टू यू। अशोक टिश्यू हमारे लेने गई। तो गाइज मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। लेकिन जाने से पहले एक जुहेब भाई का बहुत फेमस सॉन्ग है हो जमालो, हम पूरे सिंध को डेडिकेट करना चाहते हैं। जी अच्छा, उससे पहले हैप्पी कल्चर डे टू ऑल ऑफ यू जो जो हमें पूरी दुनिया से देख रहा है, और क्योंकि खुशियाँ तो पूरी दुनिया में बांटी जाती हैं, और आप भी सेलिब्रेट करें हमारे साथ, हमारी खुशियों में शरीक हों। तो जाते जाते हम गाना भी गाएंगे, उसके बाद भाई बहुत सारी जगहों पे आज जाना है, हमें प्रेस क्लब जाना है चाचा बबलू, हमें उसके बाद लाइव ट्रांसमिशन से वहाँ जाना है, शाम को रैली भी है पोर्ट ग्रैंड में जाना है, प्रेस क्लब जाना है, लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में एक इवेंट है, सारे इवेंट्स अटेंड करने हैं। बिल्कुल चलें जी शिराज, साथ में हम गाना गाएंगे। ओके बगियो दोल शहनायू बाहुन में बाहू, दिल जे घरन में हजार नचायू, सिंध निजी रीता सिक भरी प्रीता, नची नची गायो हिकड़ो इनारो हो जमालो पापा 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 पापा, हो जमालो पापा 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 पापा, हो जमालो पापा 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 पापा, हो जमालो पापा 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 पापा। वेरी गुड। ये सिंध, ये पाकिस्तान।